बैक टू माई चैनल डिवोस डेस्टिनेशन एंड इट्स मी दिव्या। इफ यू न्यू टू दिस चैनल सो जल्दी से जाके कर लो, अगर समझ गए हो तो जल्दी से जाके करो यार। ओके तो आज हम ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि कल हम जो वीडियो अपलोड किए थे वो वीडियो का सिर्फ पार्ट वन था, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। वीडियो एडिटिंग के टाइम में वीडियो वो काफी लंबा हो रहा था, तो वीडियो को दो पार्ट में करना पड़ा ना चाहते हुए भी। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हुआ। ओके तो तभी हम बारिश से आए थे और काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। सो उसके बाद सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में निकले थे, एंड क्योंकि पूजा का टाइम से पहुंचना था और हम लोग का लेट भी हो गया था, वहाँ पर कुछ हवन वन का कुछ काम कराना था, सो इसलिए लेट हो गया था और जल्दी जल्दी में ठीक से इंट्रो भी नहीं ले पाए थे। एंड अभी हम फिर से रेडी हो गए हैं। इयररिंग्स बस चेंज नहीं किए, बाकी सब चेंज कर लिए हैं। एंड अभी मेरा आए हुए एक घंटा हो गया है, एंड आप डेडिकेशन देख रहे हो, अभी एक घंटा हुआ है आए और हम लोग फिर से अभी रेडी हो गए हैं और अभी फिर से जाएंगे घूमने दुर्गा पूजा, क्योंकि ऑब्वियसली यार 2 साल बाद दुर्गा पूजा का मेला लगा है, ऐसे कैसे मिस कर सकते हैं एक भी जगह। और उधर वैसे उस टाइम हम रांची रेलवे स्टेशन साइड गए थे और भी बहुत सारा पंडाल था, सो उधर साइड का वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा। एंड अभी हम उसका जस्ट ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, एंड फिलहाल अभी हम लोग एक्सपो मेला जा रहे हैं। एंड एक्सपो मेला हमारे रांची में लगता है, और रांची में क्या हमको लगता है क्या 22 लगभग 22 स्टेट में लगता है, एंड यहाँ पर लगभग 22 स्टेट से लोग आते हैं वहाँ पर मेला के लिए। एंड यहाँ पर आई थिंक चार देश से वहाँ पर मेला में लोग आए हुए हैं अपना सामान बेचने के लिए। हमको लगता है बांग्लादेश और थाईलैंड और भी दो जगह का नाम था, हम भूल गए, हमको दो देश का नाम याद है। वैसे अभी हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रात का टाइम में समझ सकते हैं पूरा ट्रैफिक जाम होगा, और दुर्गा पूजा 2 साल बाद लगा है तो उसका इफेक्ट हमको 2 दिन पहले से दिख रहा है। शाम को 6 बजे से पहले पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, सो इसलिए अभी हम लोग इस टाइम जा रहे हैं, और हमको ज़्यादा भीड़ में जाने एकदम नहीं पसंद है हम लोग को, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं। तो निकलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। खैर निकलने के बाद बात करने का टाइम ही कहाँ रहता है, और वैसे भीड़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा छीनतई और चोरी वोरी का मामला सुनने में आता है, तो थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ेगा। सो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जोखिम उठा के थोड़ा वीडियो को भी शूट करने का कोशिश करेंगे। सो चलो पहले निकलते हैं, उसके बाद वीडियो लेते हैं। अभी हम लोग एक्सपो फेयर में आ गए हैं, देखो यहाँ पर इधर एक्सपो फेयर है, दीदी वहाँ पर टिकट लेने गए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड है, यहाँ पर
ओके, तो अभी हम आ गए यहाँ पर बकरी बाजार में, और जहाँ का हमको बेसब्री से इंतजार था, तभी से हम इसी का वेट कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर लगभग सभी कोई बकरी बाजार का हमेशा से वेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर का बकरी बाजार का सबसे मस्त रहता है हमेशा से। तुमसे पूछ रहे थे, डल झील भी है। हम तो Thank you.
ओके तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे एंड बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत 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 ज्यादा थक गए थे और हिम्मत नहीं हो रहा था कि आगे चलने का। सो हम लोग सोचे कि हम लोग को अब घर जाना चाहिए, तो हम लोग घर। लेकिन इतना सब घूमने के बाद भी उधर आसपास का हमको लगता है 6-7 कम ही बोल दिए, इससे ज्यादा ही होगा, पंडाल छूट गया था। लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि हम लोग इतना घूमने के बाद भी हम लोग ठीक से आधा रांची भी ठीक से नहीं घूम पाए, तो बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि 2 साल बाद ये मेला लगा है। और पर क्या बोले, कोई नहीं। ओके तो हम वीडियो को अभी एंड कर देते हैं, तो लेट्स एंड दिस वीडियो। आप बताना कि हमारा रांची का ये दुर्गा पूजा आयोजन आप लोगों को कैसा लगा, एंड ऑब्वियसली यार अच्छा तो लगा ही होगा। पंडाल, एक एक पंडाल और एक एक माँ दुर्गा का क्या बोलते हैं मूर्ति, इतना ही खूबसूरत था कि बस देखने लायक था। हमको तो लगता है वीडियो कम ही बनाए, एटली मतलब सामने से जाके एक एक मूर्ति को देखो, इतना खूबसूरत दिख रहा है ना, कलाकारी क्या ही बोले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और आप बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पंडाल अच्छा लगा। अगर आप रांची से हो तो जरूर मेंशन करो, एंड आप भी बताओ अपना एक्सपीरियंस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ओकेजन के साथ या फिर कुछ भी। चलो तब तक के लिए बाय।